देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। अभिनय को अध्यात्म से जोड़ने वाला साधु आज आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला नाटक खेलने के लिए निकल पड़ा है। ऐसे ही शब्द बयां किए हैं जाने माने लेखक गौरव खरे ने। इरफान, आज की सुबह लॉकडाउन की बाकी सुबहों की तरह अनमनी और अलसाई हुई थी, लेकिन दोपहर 12 बजे कोरोना के खौफ से सहमा शहर एक खबर से सिहर गया। इरफान चले गए, करिश्मा खत्म हुआ, हम सबकी जिंदगियों में से कुछ घट गया। अभिनय को अध्यात्म से जोड़ने वाला साधु आज आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला नाटक खेलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इरफान हमें ऐसे ही चौंकाते रहते हैं, हमें आदत है उनकी बातों में आ जाने की, उनके जादू में खो जाने की। जटिल से जटिल भावों को सहजता से अपनी आंखों में दिखा के हमें सम्मोहित कर लेने में उन्हें महारत हासिल है। इरफान जंगली फूल हैं, इरफान से सीखा नहीं जा सकता, इरफान को एंजॉय किया जा सकता है। इरफान अभिनय की पाठशाला नहीं है, वे साधना का मंदिर हैं जहां से आप प्रकाशित होते हैं, लेकिन प्रेरित नहीं हो पाते, क्योंकि इरफान बना नहीं जाता, इरफान हुआ जाता है। इरफान एक जश्न की रात की तरह है जिसे आप डूब के जीते हैं और अगले दिन वही जिंदगी जीने लगते हैं जो जश्न से पहले की थी। इरफान नशा जहर अमृत सब एक साथ है, वो अपने हुनर से पल भर में सिनेमा के रू पहले पर्दे को बेवा की साड़ी जितना सफ़ेद कर देते थे और अगले ही पल उनकी आंखों के भाव से उस कैनवास पर जिंदगी के रंग उड़ेल देते थे और हम ये जादू देख बेसाख्ता तालियां बजाने लगते थे। उनकी खास आंखें और आम सा चेहरा और फिल्मों की विकट परिस्थितियों से जूझता हुआ किरदार उन्हें बड़े गहरे अर्थों में देश के मिडिल क्लास का हीरो बना देती है। इरफान में कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ कुछ शब्द से ही बयां किया जा सकता है। कुछ था जो हमें रेगुलर मिल रहा था, कुछ था जिसे हम रेगुलर लूट रहे थे और अभी लग रहा है हमारी सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गई। इरफान से पहले सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट था, इरफान का सिनेमा मैजिक था, इरफान के बाद का सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही रहेगा। इरफान का जाना हम सबका साझा गम है, इरफान का होना हम सबकी निजी खुशी थी। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताया है कि ब्रह्मांड में हमेशा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ मौजूद रहते हैं। ये सच है तो इरफान थे, इरफान हैं और इरफान रहेंगे। फिलहाल वो चरम पर रहकर मर जाने का सुख जी रहे हैं और हम सब लंदन में रहकर लिखे उनके एक ब्लॉग की लाइनों में उन्हें तलाश रहे हैं। आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट वॉट ऑलवेज हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग अ मोमेंट टू से गुड बाय।